स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साथ फारूल यादव। चलिए दोस्तों एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइन पर। पीईबी के खिलाफ अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे कृषि छात्र, जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कर सकते हैं भूख हड़ताल। अब सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाएगी सरकार, 15 अप्रैल तक केसीसी दिलाने के लिए चलाया खास अभियान। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा, सभी सांसदों ने रखी अपनी अलग अलग राय। खबरों को विस्तार से ही बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुँचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। मध्य प्रदेश में बीते काफी वक्त से चल रहा कृषि छात्रों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज होता जा रहा है, जहां बीते कुछ वक्त में कृषि छात्रों ने पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ उनकी अर्थी निकाली है, उनकी अस्थियां तक नाले में विसर्जित कर दी हैं। तो वहीं बीते सोमवार को इन्हीं छात्रों ने ग्वालियर की सड़कों पर अर्धनग्न होकर रैली निकाली है। छात्रों का कहना है कि जहां एक तरफ राज्य सरकार भ्रष्टाचारी माफियों को खाड़ फेंकने की बात करती है, लेकिन पेपर आउट करने वाले माफियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। छात्रों ने कहा कि हमें सरकार जवाब दे कि कार्यवाही कब तक होगी, अगर जल्द ही कार्यवाही नहीं की गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और मरते दम तक आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि पीईबी द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में टॉपर्स के एक जैसे नंबर आने के बाद छात्रों में आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि किसी भी परीक्षा में सभी 10 टॉपर्स के नंबर एक जैसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन पीईबी के घपले ने कर दिखाया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि 10 व 11 फरवरी को हुई इस परीक्षा का पेपर अधिकारियों द्वारा लीक कराया गया है, इसलिए ऐसे छात्रों ने परीक्षा में टॉप किया है जो ठीक से हिंदी लिखना भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, सुनील ने ये भी कहा कि भले ही सरकार ने व्यापम का नाम बदलकर पीईबी कर दिया हो, लेकिन इनके काले कारनामे अभी भी जारी हैं और छात्रों का ये आंदोलन व्यापम घोटाला 2 के खिलाफ जारी रहेगा। जल्द ही यूपी के हर उस किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने वाला है जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक खास अभियान चलाने का फैसला लिया है जो कि 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार प्रदेश के हर उस किसान को केसीसी दिलाने का प्रयास करेगी जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में आता है। इसका ऐलान करते हुए राज्य के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को कोरोना संकट के चलते किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सका था, जिसका संज्ञान लेते हुए अब गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और कृषि उपनिदेशकों को पत्र जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि देश के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिले ताकि वो साहूकारों, जमींदारों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेने से बच सकें। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले काफी वक्त से चल रहा किसानों का आंदोलन न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी सुर्खियां बटोर चुका है। हाल ही में इस आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के संसद में भी की गई है। आपको बता दें कि एक ऑनलाइन पेटिशन पर लोगों को मिले समर्थन के बाद इस चर्चा को ब्रिटेन संसद में जगह मिली है। इस पेटिशन में ब्रिटिश सरकार से अपील की गई थी कि वो भारत सरकार पर आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए। जानकारी की माने तो इस पेटिशन को नवम्बर महीने में शुरू किया गया था जिस पर 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने साइन किए थे, जिसके बाद ब्रिटेन के पोर्टकुलिस हाउस में किसान आंदोलन पर करीब 90 मिनट तक चर्चा की गई। इस पर जहां कई सांसदों ने किसानों का समर्थन किया तो वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने कहा कि कृषि भारत का अपना आंतरिक मामला है, इसके ऊपर विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। तो वहीं इसके जवाब में मंत्री निकेल एडम्स ने कहा कि हम भारत के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और G7 समिट में भी अच्छे परिणामों के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंध वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी काम आएंगे। एडम्स ने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकल जाएगा।
दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।